प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में छाए हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के तोहू गांव के किसानों की तकदीर बदली है। तोहू गांव के किसान अब जैविक खेती को अपना रहे हैं, जिससे उनकी आमदन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण पीएम मोदी को भी अपने मन की बात में तोहू गांव का जिक्र करना पड़ा। गौरतलब है कि तोहू गांव के किसानों ने खेतीबाड़ी करना तक छोड़ दिया था, जिस पर केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों की भूमि के स्वास्थ्य की जांच करके खेतीबाड़ी में रिकॉर्ड सुधार हुआ है और 40-50% तक खेतीबाड़ी सुधरी है। 30 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही खेतीबाड़ी एरिया में कुछ दिनों से किसानों को फायदा हो रहा है और इससे किसान भी काफी लाभान्वित हुए हैं। किसान मस्तराम ने बताया कि बुजुर्गों के तौर तरीकों से ही गांव में खेती होती थी, लेकिन कुछ महीनों से गांव के लोगों ने जैविक खेती अपनाई है, जिससे खेती बाड़ी में सुधार आया है। पहले हम खेती बाड़ी करते थे तो पुस्तन जैसे जैसे पुराने हमारे बुजुर्गों ने करते थे वैसे करते आए थे, यूरिया खाद वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। कुछ समय के बाद 5-7 साल पहले से जो है हमारी खेतीबाड़ी में कमी आना शुरू हो गई, हमारी जो है पैदावार में काफ़ी कमी आना शुरू हो गई। धीरे धीरे हम लोगों ने फिर इसका अपने कृषि विभाग से संपर्क किया, उन्होंने हमारे खेतों की मिट्टी जो है टेस्ट के लिए लैब में ले गए, उससे उन्होंने हमें सॉइल हेल्थ कार्ड दिए, उसके मुताबिक और हमें उन्होंने सलाह भी दी। सॉइल हेल्थ कार्ड के मुताबिक हम 12-32-16 गोबर की खाद, जैसे उसमें केंचुए की खाद वगैरह होती है हमारी, और अपने जो है लैंड स्विंग ये करने लगे, और खरपतवार के लिए जो है इसकी खरपतवार नाशक दवाइयों का भी यूज करते रहे। इससे जो है हमें काफ़ी वृद्धि हुई, जैसे 1 एकड़ में 20-25% की पैदावार में वृद्धि हो गई, 6-7 हज़ार रुपया पर एकड़ हमें बचत बढ़ना शुरू हो गई। हमारी जो खेती बाड़ी है पुराने रीति रिवाजों से हुआ करती है, बुजुर्गों के टाइम से यूरिया का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन यूरिया ज़्यादा डालने की वजह से हमारी पैदावार जो है कम होना शुरू हो गई है। तो उसके बाद मैंने अपना सॉइल हेल्थ चेक कराए इनसे, एग्रीकल्चर वालों से, तो उन्होंने हमारे को एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, उसके आधार के ऊपर हमने 26 खाद डाली, और उसके बाद हमने केंचुओं की खाद डाली, जिससे हमारे इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे जैसे इन्होंने हमारे को गाइडलाइन दिया कि ये चीज़ डालो, तो हमने वही डाली है, वैसे वैसे खाद डाली, वैसे वैसे दवाई का छिड़काव किया, तो हमारी खेतीबाड़ी जो है काफ़ी अच्छी हुई है, तकरीबन 20% की वृद्धि हुई है इसमें। महिला किसान रीनू ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बाद कृषि विभाग के बताए अनुसार खेती कर रहे हैं, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। नीलम ने बताया कि मिट्टी की जांच होने के बाद खेतीबाड़ी में सुधार आया है और खेतीबाड़ी ठीक ढंग से हो रही है, जिससे उपज भी बढ़ रही है। मैं रीमू तोहू गांव से बोल रही हूँ। पहले हम खेती जो थे वो परंपरागत तरीके से करते थे, लेकिन जब से हमारी मिट्टी की जांच हुई है और हमें सॉइल हेल्थ कार्ड मिले हैं, उसके बाद हम उसी आधार पर खेती कर रहे हैं और यूरिया खाद का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उस कार्ड पे बताई गई खादें हैं वो खेतों में ज़्यादा डाल रहे हैं। इससे हमारी उपज भी बड़ी है और हमें फसल की भी ज़्यादा पैदावार हुई है। पहले हम कृषि परंपरागत तरीके से करते थे बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके से, लेकिन जब से हमारी कृषि की मिट्टी की जांच हुई है, हमें सॉइल हेल्थ कार्ड मिले हैं, उसके बाद हम यूरिया का कम इस्तेमाल कर रहे हैं और 32-12 वाली खाद भी डाल रहे हैं, जिससे हमारी कृषि में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और उपज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कृषि विभाग हमीरपुर के एसडीओ अजय सिंह ने बताया कि किसानों ने जब से जैविक तरीके से खेतीबाड़ी करना शुरू किया है तो किसानों की आमदन बढ़ी है। उन्होंने बताया कि विभाग के प्रयास भी रंग लाए हैं और किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। ये तोहू गांव का आपने भ्रमण किया है, पीएम मोदी ने मन की बात में उसकी प्रशंसा की है गांव की, क्या आप गए हैं, क्या बताएंगे, क्या है वहाँ वस्तुस्थिति, क्या है वहाँ? दरअसल वहाँ पे किसान पहले परंपरागत ढंग से खेती किया करते थे, लेकिन मिट्टी की जो सेहत थी उसमें काफ़ी गिरावट आ रही थी, क्योंकि यूरिया का अधिक प्रयोग करते थे। उसके बाद कृषि विभाग की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में कृषि विभाग ने उस गांव की मिट्टी का परीक्षण किया और फसल के अनुसार विभिन्न प्रकार की खाद्य डालने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। अब किसान उसी हिसाब से वहाँ पर
खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि उनके द्वारा यूरिया कम प्रयोग करने से खाद में भी बचत हो रही है पैसे की, और साथ ही साथ उनके खेतों की जो सेहत है वो भी सुधर रही है, जिससे कि उनको अपने नेट इनकम में फायदा हो रहा है। 35 से 40 किसान इस गांव में रहते हैं और लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र है इस गांव का। सर, आपने किसानों से भी फीडबैक ली होगी, तो पहले और अब आगे के में जो खेती कर रहे हैं, तो कितना अंतर बता रहे हैं किसान? किसान 25 से 30% का अंतर बता रहे हैं। जो उनकी उपज पहले होती थी उससे 25 से 30% का उनका उपज बढ़ी है, साथ ही साथ जो खाद अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे उसमें कमी आने की वजह से उनका नेट इनकम में और ज़्यादा 4 से 6 हज़ार का फायदा हुआ है।